पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान अपने पांचों सीटों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर एक बार चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आप मान लीजिए कि चिराग पासवान को झटके पे झटका लग रहा है और चिराग पासवान के लास्ट में कहीं खेला ना बिगड़ जाए, क्योंकि सेटिंग गेटिंग तैयार हो गई है और गुप्त मीटिंग भी होने वाली है। मीटिंग कब होगी, कौन करेगा मीटिंग और इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, हम एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान को एक एक करके बड़े बड़े झटके जो 2024 लोकसभा चुनाव में लग रहे हैं, उससे चिराग पासवान बेहद चिंतित है। एक तरफ चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के जो करीबी थे सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब अरुण कुमार ने एक और झटका देने की तैयारी कर ली है और एक नई पार्टी का गठन कर लिया है, जिस पार्टी की कल बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में विस्तार को लेकर इस पार्टी में बैठक होगी और ये बैठक कल पटना में होगी, जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे। चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बना लिए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का नाम रखा गया है बिहार नव निर्माण जन मोर्चा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास को छोड़ने के बाद डॉक्टर अरुण कुमार ने नई पार्टी बनाई है और इस पार्टी की कल बैठक भी होने वाली है, पटना में बैठक होगी, जहां पर आगे किस तरीके से ये पार्टी बिहार में काम करेगी, चुनाव को किस तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी, वो सभी मुद्दों पर बात होगा। कितने उम्मीदवारों को कहां से खड़े करना है, इस पर भी कल मोहर लग सकती है। जिस तरीके से डॉक्टर अरुण कुमार चिराग पासवान से टिकट को लेकर नाराज हो गए थे, बड़ा आरोप चिराग पासवान पे लगाए थे कि चिराग पासवान जो वादा किए थे वादे से मुकर चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्हें हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन अभी उन्हीं के करीब में नजर आ रहे हैं। वैसे में अरुण कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था और उसके बाद अब नई पार्टी का गठन कर लिया है, बिहार नव निर्माण जन मोर्चा पार्टी बना ली है, जिस पार्टी की कल बैठक होने वाली है। ये बैठक पटना में ही होगी और रणनीति अपनाई जाएगी कि किस तरीके से चिराग पासवान को घेरा जाए। तो एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने की नाम नहीं ले रही है। एक पर एक चिराग पासवान को झटके पे झटका दिया जा रहा है और कल फिर अगर कोई बड़ा चेहरा इस पार्टी में आ सकता है तो चिराग पासवान के लिए एक और झटके की इंतजाम जो है उन्हीं के पुराने जो सहयोगी हैं वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और चिराग पासवान को झटके पे झटका जो है वो लगते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में कल क्या क्या होगा इस बैठक में, कौन कौन चेहरे हैं मुख्य जो इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं और क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे कल डॉक्टर अरुण कुमार और क्या कुछ पार्टी को लेकर बताने वाले हैं, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।